सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों काफ़ी ऐसे लोग हैं जो अपने मोबाइल में पावर के बटन होता है जो फ़ोन स्विच ऑफ करने वाला, उसमें फ़ोन कट करने का फीचर ऐड कर लेते हैं। जी दोस्तों, इससे क्या होता है कि जब भी हम कहीं बाइक पर चल रहे होते हैं दोस्तों, हमें फ़ोन कट करने में काफ़ी आसानी होती है। अगर हमारे पास कोई कॉल आ जाता है तो दोस्तों, बात करने के बाद हमें कॉल कट करने में आसानी होती है। इस तरीके से दोस्तों, जैसे हम बात कर रहे होते हैं तो इसी तरीके से दोस्तों हम पावर के बटन दबा के कॉल कट कर सकते हैं। दोस्तों ये काफ़ी अच्छा फीचर है जो दोस्तों काफ़ी लोग हैं जो अपने मोबाइल में इसका यूज़ करते हैं। लेकिन दोस्तों Redmi Note 9 Pro Max जो फ़ोन है उसमें दोस्तों काफ़ी लोगों को इस फीचर नहीं मिल रहा है। दोस्तों काफ़ी लोग परेशान है इस फीचर को ढूंढ करके, वो फीचर आखिर में मिल क्यों नहीं रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको ये फीचर बताऊंगा कि अगर आप Redmi का Note 9 Pro Max यूज़ करते हो तो दोस्तों इस फ़ोन में आप इस फीचर को, पावर की वाले बटन को कॉल कट करने के लिए ऐड कैसे कर सकते हो, इस फीचर को आप इस फ़ोन में कैसे ऐड कर सकते हो, कैसे इसका यूज़ कर सकते हो। दोस्तों पूरा तरीका मैं आपको लाइव दिखाऊंगा जिससे आपको समझ में आ सके कि अगर आप Redmi का Note 9 Pro Max यूज़ करते हो तो आप इस फीचर का कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, कैसे इसको अप्लाई कर सकते हो अपने मोबाइल के पावर के बटन में। दोस्तों मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं, तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे मेरे आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको पूरा तरीका लाइव दिखाता हूँ। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में सेटिंग को ओपन करना है, आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में आना है। तो चलिए मैं आपको सेटिंग ओपन करके दिखाता हूँ। सेटिंग ओपन करने के बाद आपको दोस्तों नीचे जाना है और नीचे आके आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा एडिशनल सेटिंग का, आपको इसी बॉक्स पर, इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको फिर से नीचे जाना है और दोस्तों देखिए एक ऑप्शन आ रहा है एक्सेलेबिलिटी का, एक्सेलेबिलिटी आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। जब दोस्तों आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने दो तीन ऑप्शन आएंगे। तो दोस्तों काफ़ी लोग हैं जो यहाँ तक आ जाते हैं लेकिन इसके आगे का प्रोसेस उनको समझ में नहीं आता कि उन्हें क्या करना है। दोस्तों आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से ऐसे घुमाना है। यहाँ पे देखिए तीन चार ऑप्शन आ रहे हैं दोस्तों ऊपर, आपको सबसे लास्ट वाले पे, एक मिनट, आपको दोस्तों देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा सबसे लास्ट में फिजिकल, आपको इसे फिजिकल वाले पे आ जाना है सबसे कोने वाले पे। जब दोस्तों आप, मैं फिर से बता दूँ आपको, जब आप इस फंक्शन को ओपन करोगे, इस एक्सेलेबिलिटी को ओपन करोगे तो आप यहाँ जनरल वाले पे आओगे। तो दोस्तों आपको यहाँ कोने वाले पे आ जाना है फिजिकल वाले पे। या दोस्तों आप यहाँ पे आ जाओगे फिजिकल पे तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा होगा पावर बटन एंड कॉल, आपको इस ऑप्शन को ऑन कर देना है। जैसे दोस्तों आप इसे ऑन करोगे तो जब भी आपके फ़ोन को कोई कॉल आता है तो आप साइड वाले बटन से, इससे पावर वाले बटन से अगर इसे प्रेस करते हो कॉल पे बात करते टाइम, तो आपका फ़ोन कट हो जाएगा। तो दोस्तों काफ़ी लोग हैं जो इस फंक्शन का यूज़ करते हैं, इस फीचर का अपने फ़ोन में यूज़ करते हैं, लेकिन जो Redmi Note 9 Pro Max फ़ोन दोस्तों उसमें इस फीचर का काफ़ी लोगों को पता नहीं था कि वो किस फोल्डर में है, सेटिंग का दोस्तों किस फोल्डर के अंदर वो दिया गया है। तो दोस्तों अगर आप अपने फ़ोन में इस ऑप्शन को यूज़ करना चाहते हो तो आप इसी तरीके से कर सकते हो। काफ़ी अच्छा फीचर होता है दोस्तों जब बात करते टाइम अपने फ़ोन को कट करना पावर बटन से। दोस्तों वैसे क्या होता है कि जब भी हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो हमें फ़ोन को नीचे करके इस तरीके से और यहाँ पे कट करना पड़ता है, पर दोस्तों कई कंडीशन में क्या होता है कि जब भी हम बाइक पर चल रहे होते हैं तो हमें दोस्तों इतना टाइम नहीं मिलता कि हम अपने फ़ोन को नीचे करके इस पर कट करें, हम डायरेक्ट यहाँ से बात करने के बाद यहाँ से कट कर देते हैं इस तरीके से, तो हमारा फ़ोन कट हो जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा कि आप अपने Redmi के Note 9 Pro Max में पावर की वाले बटन में फंक्शन कैसे ऐड कर सकते हो, कैसे इसका यूज़ कर सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए बार बार लेकर आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।